जिस वक्त की बड़ी खबर जो एग्जिट पोल के नतीजों से आ रही है, हरियाणा के 7 एग्जिट पोल बना रहे हैं वहां पर कांग्रेस की सरकार। तो ये एक बड़ी खबर सुमित कांग्रेस के लिए हरियाणा से इस वक्त आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सरकार बनाता हुआ एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहा है, वो आगे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल कांग्रेस के खेमे के लिए, कांग्रेस गठबंधन के लिए अच्छी खबर दोनों ही राज्यों से, लेकिन 8 अक्टूबर को ये साफ होगा कि वाकई दोनों राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन हम इसके पहले आगे जाएं, अब बात बारी बारी से तमाम सर्वे जो अब तक आए हैं, रात के 9 बज रहे हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। बारी बारी से दोनों राज्यों की बात करेंगे, एक एक पोल आपके सामने रख देंगे, उनके आंकड़े क्या हैं। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स है ये, हरियाणा में कुल सीटें 90 हैं और एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक 27 सीटों पर बीजेपी चल रही है, कांग्रेस का गठबंधन 54 सीटों पर है, जेजेपी 1 सीट पर आगे है और INLD 2 पर आगे हो सकती है, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें, अदर्स के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस को 23 सीटों का फायदा दिखाई दे रहा है हरियाणा में। और अब बात करें जम्मू कश्मीर, बिल्कुल जम्मू कश्मीर कुल सीटें 90, बीजेपी के खाते में 27, कांग्रेस NC गठबंधन को 42, PDP को 7 और निर्दलीय और अदर्स को 14 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो NDTV पोल ऑफ पोल्स का ये सार है, बीजेपी के खाते में 27 सीटें, कांग्रेस NC की वहां सरकार एग्जिट पोल्स बनाते दिखाई दे रहे हैं 42 सीटों पर और PDP 7 पर है वहां पर इस सार के हिसाब से। अभी अलग अलग एजेंसीज के सर्वे आप एक साथ देखिए, ये हरियाणा के आंकड़े आपके सामने, दैनिक भास्कर, ध्रुव रिसर्च, इंडिया टुडे, जिस्ट और पीपुल्स पल्स, अधिकतर जगह एक जैसे आंकड़े दिख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ सरकार का रुझान है, कांग्रेस की सरकार बनती हुई और बीजेपी की सरकार नहीं बनती हुई, ये इन रुझानों में साफ है।